हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो इट मीन्स फर्स्ट क्लास में क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 6th स्टडी किया था। लेसन 6th का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 6th का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम फी टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे थे। फी जो नाइट्स के पास होता था, पीस ऑफ लैंड होता था। फी के बारे में हम इस आइडेंटिफाई करेंगे कि फी 1000 और 2000 एकड़ के करीबन होता था। फी जो एक पीस ऑफ लैंड होता था वो 1000 भी हो सकता था और 2000 के करीबन भी, एकड़ के करीबन भी हो सकती थी, और इनहेरिटेड होता था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द वर्ड मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री जो वर्ड है, एक अलग से ही जो सेकेंड ऑर्डर में डिस्क्राइब किया गया, सेकेंड ऑर्डर इट मीन्स सेकेंड ग्रुप में मोनेस्ट्री को भी हम इंक्लूड करते हैं। द वर्ड मोनेस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो मोनेस्ट्री वर्ड है जो सेकेंड ग्रुप से रिलेटेड है, इट मीन्स नाइट्स ग्रुप से रिलेटेड है, नाइट्स को हम सोल्जर्स भी कहते थे, उनसे रिलेटेड है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री इट मीन्स ये होता है जैसे बौद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, उन्हें हम मोनेस्ट्री कहते हैं। मोनेस्ट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड मीन्स मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन। मोनेस्ट्री ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है पर्सन जो अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट सेकंड ग्रुप से ही रिलेट करता है, सर्फ। सर्फ कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ लैंड। सर्फ जो दास होते थे, जिन्हें हम स्लेव्स कहते हैं, जो नाइट्स के कंट्रोल में रहते थे और जो लॉर्ड्स के कंट्रोल में रहते थे, वो एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे कल्टिवेशन करते थे। बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड। ये बिलोंग करते थे, सर्फ लॉर्ड से बिलोंग करते थे। एंड मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड। और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, इट मीन स्लेव्स थे। ज़्यादा से ज़्यादा जमीन के छोटे से टुकड़े पे प्रोडक्शन करते थे और जो सारा प्रोडक्शन होता था वो लॉर्ड्स को दे देते थे। सर्फ कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मील टू ग्राइंड बाय देयर फ्लोर हिज ओवन टू बेक देयर ब्रेड। सर्फ क्या करते थे, सर्फ फ्लोर को ग्राइंड, सर ग्राइंड टू फ्लोर देयर फ्लोर। सर्फ फ्लोर ग्राइंड करते थे और जो भी ब्रेड बनती थी उसे अपने लॉर्ड को दे देते थे। ये काम भी सर्व करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फेडरलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड। अब हम अपने वापस टॉपिक पे लौट के आते हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म सबसे पहले डेवलप हुआ था इंग्लैंड में, डेवलप हुआ था 11th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। द कंट्रीज नेम इंग्लैंड इज़ ए वेरियंट टू एंगल एंगल लैंड। जो कंट्री नेम है इंग्लैंड, उसका नेम आया था, ड्राइव्ड हुआ था एंगल लैंड से, ड्राइव हुआ था 11th सेंचुरी में। हुआ क्या था कि जो विलियम था द ड्यूक, उस टाइम में जो इंग्लैंड के राजा होते थे उसे हम ड्यूक कहते थे, और फ्रांस के राजाओं को भी ड्यूक कहते थे। द ड्यूक किंग ऑफ नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी एक रीजन का नाम है जो इंग्लैंड के आसपास एरिया में सिचुएटेड था, क्रॉस द इंग्लिश चैन रूट, और इंग्लिश चैन इन रूट को उसने क्रॉस किया था। एंड डिफिटेड द सैक्सोनी किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो सैक्सोनी किंग का रूल था उसे डिफीट किया था। इट मीन्स ये बताया गया है इसमें कि इंग्लैंड पे फ्रांस का किस तरीके से ऑक्यूपेशन हुआ था। फेडरलिज्म सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुआ था 11th सेंचुरी में। इंग्लिश जो इंग्लैंड नेम है वो कहाँ से आया, एंगल लैंड से, 11th सेंचुरी में। विलियम जो ड्यूक किंग और जो ड्यूक था नॉर्मैंडी का एरिया का, क्रॉस्ड उसने क्रॉस किया था, इंग्लिश रूट को क्रॉस किया था, और उसने डिफीट किया था सैक्सोनी किंग इंग्लैंड को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हम कैथेड्रल। कैथेड्रल का मीनिंग क्या होता है, ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। कैथेड्रल्स का मीनिंग होता है टाउन्स जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुए थे। लार्ज चर्चेस कॉल्ड कैथेड्रल्स, जो लार्ज चर्चेस होते थे, जो बड़े बड़े चर्चेस होते थे उन्हें कैथेड्रल कहते थे, इट मीन्स टाउन्स भी कहते थे। वो इतने बड़े बड़े होते थे कि उन्हें टाउन्स के फॉर्म में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो बिल्ट हुए थे सबसे पहले फ्रांस में बिल्ट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैथेड्रल वर डिज़ाइंड, कैथेड्रल्स इट मीन चर्चेस, और वहाँ पे मतलब जो टाउन इसलिए कहते थे क्योंकि बहुत सारे चर्चेस होते थे, उन सारे चर्चेस के कंबाइंड फॉर्म को हम टाउन्स कहते थे। कैथेड्रल इट मीन सारे चर्चेस की कंबाइंड फॉर्म को हम टाउन्स कहते थे। कैथेड्रल का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता था कि प्रीस्ट होता था, उसकी वॉइस चारों तरफ फैल जाए, बहुत बड़े हॉल में चारों तरफ फैल जाए, बहुत सारे पीपल्स हो वहाँ पे, सभी पीपल्स तक प्रीस्ट की वॉइस पहुँच जाए। कैथेड्रल का डिज़ाइन इस तरीके से
किया जाता था। प्रीस्ट वॉइस कुड बी हियर्ड क्लियरली विद इन द हॉल वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स गैदर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ड्यूरिंग द डे एंड द सनलाइट वुड मेक देम रेडियंट फॉर पीपल इनसाइड द कैथेड्रल। डे और सनलाइट, इट मीन्स दिन में द सनलाइट वुड मेक देम, जो सनलाइट होती थी अंदर, जो पीपल्स होते थे, जो जो पूजा करते थे, वॉर्शिप करते थे, उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती थी। एंड आफ्टर द सनसेट, और जब सनसेट हो जाता था उसके बाद में, द लाइट ऑफ कैंडल्स वुड मेक देम विजिबल टू पीपल आउटसाइड। जो लाइट होती थी कैंडल्स की, जो अंदर फ्लो करती, जो अंदर जलती थी, बर्न करती थी, वो बाहर तक लोगों तक पहुँचती थी। इट मीन कैथेड्रल का डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता था कि प्रीस्ट की वॉइस हॉल में चारों तरफ फैल जाती थी, और जब सनलाइट होती थी तो बाहर की जो रेडियंट होती थी, इतनी सन रेज होती थी, वो अंदर पीपल्स जो वॉर्शिप करते थे उन तक पहुंचती थी। और रात को जब कैंडल्स की लाइट होती थी, कैंडल्स की लाइट विजिबल होती थी बाहर के पीपल्स को। कैथेड्रल का डिज़ाइन इस टाइप से किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। कि 14th सेंचुरी आ गई थी, 14th सेंचुरी में बहुत सारे क्राइसिस हो गए थे। ये लेसन 6th का ही एक पार्ट है, द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में क्या क्या क्राइसिस हुए थे, द शॉर्टेज ऑफ द पास्चर, पास्चर की शॉर्टेज हो गई थी, पास्चर इट मीन चारे की शॉर्टेज हो गई थी। रिड्यूस द, इससे इसके लिए जो कैटल्स हो गए थे वो काफ़ी डिजिट में मर रहे थे, डाइड हो रहे थे। पॉपुलेशन ग्रोथ आउट स्ट्रिपिंग रिसोर्सेज एंड द रिजल्ट वॉज फैमिन। पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन रिसोर्सेज कम हो रहे थे। पॉपुलेशन बढ़ने और रिसोर्सेज कम होने के कारण फैमिन आ गया था, इट मीन ड्रॉट आ गया था, और सीवर फैमिन हैड हिट यूरोप बिटवीन 1315 एंड द 1370। बहुत बड़ा फैमिन आया था, फैमिन इट मीन्स अकाल आया था, जो 1315 से लेकर 1370 तक आया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट, ट्रेड एक्सपेंडेड इन द 13th एंड द 14th सेंचुरी। ट्रेड बढ़ रहा था 13th और 14th सेंचुरी में, बहुत सारे शिप्स बहुत सारा सामान लेके आ रहे थे अलग अलग कंट्रीज से इंग्लैंड में, अराइविंग इन यूरोप पोर्ट्स, यूरोपियन पोर्ट्स तक आ रहे थे। और शिप्स जब आ रहे थे, अलॉन्ग विद द शिप्स केम रैट्स, और शिप्स के साथ शिप्स में रैट भी आ जाते थे, जो एक नई डिजीज़ लेके आए थे, ब्यूबॉनिक। ब्यूबॉनिक एक प्लेग की ही फॉर्म है, जो चूहों के काटने से डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन। ब्यूबॉनिक प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, जो वेस्टर्न यूरोप से रिलेट करती है, रिलेटिवली आइसोलेटेड इन द अर्लियर कंट्रीज, जो वेस्टर्न यूरोप से रिलेट करती है और वेस्टर्न यूरोप में एंड अर्लियर कंट्रीज से आई थी। वॉज हिट बाय द एपिडेमिक, ये एक एपिडेमिक थी, बिटवीन इज डेट द 20% ऑफ पीपल ऑफ द होल ऑफ द यूरोप डाइड। इस जो डिजीज थी उससे 20% पीपल्स डाइड हो गए थे। इट मीन्स 14th सेंचुरी में जो क्राइसिस आए थे, सबसे फर्स्ट क्राइसिस था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, रिसोर्सेज कम हो रहे थे, पास्चर्स कम हो रहे थे, पास्चर कम होने के कारण कैटल्स की डिजिट रिड्यूस हो रही थी। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ट्रेड बढ़ रहा था, ट्रेड के साथ जो बहुत बड़े बड़े शिप थे वो अपने साथ सामान लेके आ रहे थे यूरोपियन पोर्ट्स तक। जब वो अपने साथ सामान लेके आ रहे थे यूरोपियन पोर्ट्स तक, तो बहुत सारे चूहे भी उस शिप्स में आ गए थे। जब बहुत सारे चूहे आ गए थे तो यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनमें एक नई डिजीज़ स्प्रेड हो गई थी, ब्यूबॉनिक प्लेग। ब्यूबॉनिक प्लेग को जो चूहों के काटने से होती है, इसे हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, और इससे बहुत सारे यूरोपियन पर्सन डाइड हो गए थे, 20% यूरोपियन पर्सन डाइड हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द प्लेग टुक इट्स वर्स्ट टिल अमंग इन्फेंट्स यंग एंड द एल्डरली। जो ब्यूबॉनिक प्लेग था उसका इफेक्ट इतना वर्स्ट था, बुरा था, कि इससे इन्फेंट, जो न्यूबॉर्न बेबी थे वो भी इफेक्ट हुए थे, यंगस्टर भी इफेक्ट हुए थे, और एल्डर्स पीपल्स भी इफेक्ट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, डीपॉल्यूशन रिजल्टेड इज ए मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। डीपॉल्यूशन इट मीन्स बहुत सारे लोग मर रहे हैं, डीपॉल्यूशन रिजल्टेड इन ए मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। डीपॉपुलेशन, ये थोड़ा पी ढंग से आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था, डीपॉपुलेशन
बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी इन ए मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर, जो लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, रिसोर्सेज कम हो रहे थे, उनके काम कम किया जा रहा था, तो लेबर की पूरी तरह से शॉर्टेज हो गई थी। उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज थी उनमें लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीरियस इम्बैलेंस वर क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द मैन्युफैक्चर। इम्बैलेंस हो गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा था लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कम से कम हो रहा था। बिकॉज देयर वर नॉट इनफ पीपल टू इंगेज इन बोथ इक्वली, क्योंकि दोनों ही एक्टिविटी में पीपल्स इन्वॉल्व नहीं थे इक्वली। इधर सभी पर्सन एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कम, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेबर की शॉर्टेज ज़्यादा हो गई थी और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक इम्बैलेंस हो गया था, क्योंकि पर्सन प्रॉपर वे में दोनों साइड्स में इन्वॉल्व, दोनों एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की प्राइसेस गिर गई थी और वो केवल कुछ पर्सन ही खरीद पाते थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में, इट मीन्स सेकेंड क्लास में, क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 6 का कंप्लीट पार्ट स्टडी किया है। क्लास 11 लेसन 6 का कंप्लीट पार्ट हमने हिस्ट्री से रिलेटेड है वो हमने स्टडी किया है। इसमें हमने द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म के बारे में स्टडी की है, फेडरलिज्म प्लस गॉल स्टेट के बारे में स्टडी की है, प्लस पॉपुलेशन की 14th सेंचुरी में क्या क्या क्राइसिस आए थे इसके बारे में स्टडी किए हैं, और हमने इंग्लैंड किस तरीके से डेवलप हुआ था इसके बारे में स्टडी किए, ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में स्टडी किए। तो ये सारी स्टडी हमारी रिलेट करती है क्लास 11 हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 6।